वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका उमस लाइफस्टाइल पर और उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सुबह हो गया है और आज भी छुट्टी है। आज मैं जाऊंगी ओपीएम वाला दुर्गा मंदिर और आशु भी बिजी है, आशोक चले गए हैं ऑफिस, तो मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी अपना किचन का काम निपटा रही हूँ। उनका टिफिन दे दिया और अब दूसरी चाय बन रहा है। दूध जो रात की थी उसको गर्म कर दिया है और आज लंच में बनाने की तैयारी है करेला, तो करेला भी बॉईल करने के लिए रख दी हूँ, भरवा बनाऊंगी। फास्ट फास्ट काम हो रहा है फ्रेंड्स, मंदिर जाना है, आशु भी रिटर्न होके आ जाएगा, फिर बस मेरा फटाफट नाश्ता बन रहा है और किचन भी वाइंड अप कर रही हूँ। आके चावल वावल बनाऊँगी, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना कर लिया। इडली वाली मिक्सचर पूरी तैयार करके पीस करके रख दी है। नाश्ता भी लास्ट लास्ट चल रहा है, लास्ट चीला चल रहा है, बिठा दिया है क्योंकि करेला के साथ केवल करेला नहीं चलता, तो उसके साथ कुछ ना कुछ एक एडिटिव होना ही होना है आलू का, तो आलू फ्राई कर लूँगी या चोखा बना लूँगी देखूँ, बट उसके लिए आलू चाहिए ही चाहिए होता है। तो कर लिया है। आशु के लिए प्रोटीन ड्रिंक बना दिया है सत्तू से और वो आएगा तो एटलीस्ट वो पिएगा, देन ही विल टेक बाथ एंड हैव हिज नाश्ता पूजा करने के बाद, और उसके बाद अपन जाएंगे। बस ये लास्ट ट्रिप के लिए बचा हुआ है, उसके बाद मैं फटाफट नहा के रेडी होंगी। घर में दही डाल दिया है बनने के लिए, क्योंकि एक दही यूज़ हो गया है मॉर्निंग को, अब 3-4 घंटे में फिर से दही रेडी हो जाएगा लंच के लिए। सो दिस इज़ व्हाट। और धीरे धीरे मैं किचन भी समेट रही हूँ क्योंकि बहुत फैल गया था। सोफा कवर शुरू हो गया फ्रेंड्स। शिवाली आई थी तो मैंने काफ़ी सारी सब्जी ले ली और सबको थोड़ा थोड़ा करके रख दूंगी। और देखिए मैंने पालक और कटहल लिया, उसको ब्लांच करके रख लूंगी ताकि पालक पनीर या आलू पालक या कुछ भी बना पाऊँ, इसको करके रख लूंगी। बेसन भून रही हूँ करेला के लिए, ये करेला मेरा बॉयल हो गया है और आलू भी बॉयल हो गया है, करेले के बीज को निकाल ली हूँ इसको भून के और इसका भरवा, और यहाँ मैंने कटहल भी बिठा दिया है बॉयल होने के लिए। मज़ा ही आ जाता है कभी कभी काम कर करके ना, और समझ ही नहीं आता है कि आप स्कूल भी कैसे चले जाते हो। उस समय इतना फटाफट सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं हो पाता बट स्टिल होता तो है ना। भूनने के लिए मैंने प्याज, मेथी और लाल मिर्च गोटा मिर्च डाल दिया है, आलू को छोटे छोटे अदरक पीसे उसमें तोड़ दिया है, और ये भरवा के लिए अदरक और प्याज और उसके जो बीज थे जो बॉइल्ड हो गए हैं उनको थोड़ा भून ले रही हूँ, और उसके बाद मैंने मसाले निकाल के रखे हुए हैं, नमक भी विथ आमचूर पाउडर, जीरा, मेथी, सरसों, धनिया और गरम मसाला, तो सारे को फिर भून के और थोड़ी सी बेसन को भून के रखी हुई हूँ उसको मिला के, और ये मसाले बना लूँगी, तो इसलिए मैं आलू भून लेती हूँ। मसाले यह है मेरे प्यूरी फ्रेंड्स, मैंने इसमें हरी मिर्च और लहसुन अदरक भी डाल दिया था, अब मैं इससे पराठे भी बना सकती हूँ, पालक कुछ भी बना सकती हूँ, तो ये रेडी है मेरा। सो दिस इज व्हाट इज स्मार्ट वर्क इजंट इट।
गर्मी का दिन आ गया है, दाल एंड दही मीन्स रायता और दाल दोनों हो गया है। तो ये हो गई मेरी दाल चौंकी में, और यहाँ हो गया है मेरा करेला भी। फ्रेंड्स कटहल भी मेरी बॉयल हो गई है, अभी मैंने इसको निकाला है, अब इसको रात को बनाऊंगी ना इना फैनमोर। 12:40 फ्रेंड्स चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि मैं मंदिर से आके ही लगी हुई थी। सुरेखा भी आ गई और मैंने कपड़े भी फैला दिए हैं, दिखाऊं। ट्रिप लगाना है वो बाद में अब होगा, बस इना फैनमोर चावल भी डाल दिया मैंने, और कुकी भी आज अंदर सो रहा है, उसको हमने बांध दिया क्योंकि वो पूरे घर में घूमता है, वो तब तक तो ठीक है, मंदिर में भी जाने लग जाता है, तो जब हम काम करते हैं तो उसको बांध के रख देते हैं ताकि वो एक एरिया में ही रहे, बाकी मंदिर वगैरह में ना जाए, तो वो भी लेटा हुआ है अंदर। दिस इज द लंच फ्रेंड्स, दही दाल चावल आलू एंड करेला। ये कटहल बनाने की तैयारी फ्रेंड्स मैंने शुरू से नहीं रिकॉर्ड किया, शाम का समय है, मैं रोटी बनाने वाली हूँ इसके साथ। और ये है मेरे कटहल और आलू, और कुछ कटहल से मैं कल कोफ्ते बनाऊँगी, तो पूरा 1 किलो था, उतना सारा तो नहीं बना सकते हैं बस। ये आवाज़ आ रही होगी गर्मी में किचन में काम करना सच में, सो फैन की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ बेयर विथ मी। सब्जी ड्राई सब्जी फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हम वीडियो नहीं एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप यू लाइक द होल वीडियो, एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड एनी पार्ट ऑफ इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और ये मैंने अपने नेल्स चेंज कर दिए, कलर चेंज कर दिया नेल्स कट किए, तो ये और बन गई है मेरी सब्जी, और मैं अब रोटी की भी तैयारी है मैंने। और रोटी फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो वेरी मच, इफ नॉट सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू ऑल।